Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now we will study the respiratory balance sheet. Glycolysis हुई food के oxidation में glucose से क्या बना? Pyruvate बना. Then acetyl-CoA बना. Krebs cycle में enter हुआ. Then ETS में enter हुआ. ऐसे sequential manner में stepwise food की breakdown होती रही. Net gain of ATP कितना हुआ? For one glucose molecule. एक glucose molecule जब टूटा, तो उससे हमें कितने ATP molecules मिले? ये सिर्फ हम theoretically देख सकते हैं. One substrate forming the next, एक substrate molecule से next substrate molecule बन रहा है, या फिर product बन रहा है, with glycolysis, TCA cycle and ETS pathway. ये सब किस में हो रहा है? एक sequential manner में हो रहा है. NADH synthesized in glycolysis. Glycolysis में NADH synthesized हो रहा है, वो enter करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी करवा सके. सिमिलरली हमने इतने जो भी पढ़े रिएक्शंस, हमने देखा दैट नो इंटरमीडिएट इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड, बट ऐसा नहीं है, इंटरमीडिएट भी बनते हैं. ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड. हमने जो भी अभी चेक किया है, या हमने जो सीक्वेंसेस देखे हैं, स्टेप वाइज रिएक्शंस देखे हैं, वो हमने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज देखे हैं. नो अदर ऑल्टरनेटिव्स आर एंटरिंग इन द पाथवे. कोई भी ऑल्टरनेट एंटर नहीं कर रहा है, बट ये रियली वैलिड नहीं है इन अ लिविंग सिस्टम, बिकॉज ये जो सभी पाथवेज हैं, ऑल दीज पाथवेज आर वर्किंग टुगेदर, स्टेपवाइज मैनर में हो रहे हैं, बट अपना अपना रिएक्शन सभी करते जा रहे हैं. ये सब साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, नॉट वर्किंग वन आफ्टर अनदर. सबस्ट्रेट जो एंटर करता है पाथवेज का, दे आर विदड्रॉन व्हेन नेसेसरी. एटीपी इज यूटिलाइज्ड व्हेन नीडेड. एंजाइमेटिक रेट आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन. जो भी एंजाइमेटिक रेट है, वो बहुत सारे अलग अलग मीन से कंट्रोल किए जाते हैं. एटीपी जब चाहिए होती है, तब यूटिलाइज होती है. सबस्ट्रेट भी जो बनते हैं, या जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो दूसरे रिएक्शन में एज अ सबस्ट्रेट यूज होते रहते हैं. जो भी है, हमने जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन देखी, हमें उससे पता लगा जो रिएक्शन है, ये जो सीक्वेंस में होते हैं, इनसे नेट गेन होता है 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स का ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, तो 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं. सो ये था रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड.